के हाथ से गंदासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास वो गंदासा उठाकर लाते, लेकिन वो व्यक्ति बार बार गंदासा मोहनदास के हाथ से छीनकर दूर फेंक देता। उदय की ये माया समझ में नहीं आई। तब उदय ने ये वाकया अपनी मां कान्ही को बताया। मोहनदास की बहन कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बात मोहनदास को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चला होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत कर लिया। सरे द्वार मंगलम मोहनदास साला सरे द्वार मंगलम बजरंग मेरे जायो आठो याम मंगलम बजरंग मेरे जायो आठो याम मंगलम ओम बजरंग मंगलम हनुमान मंगलम साधु ने मोहनदास जी के घर के बाहर नारायण हरि कहते हुए आवाज लगाई। जैसे मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास तेजी से पीछे दौड़े और उनके चरणों में लेट गए तथा विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते और मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। मोहनदास विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा,
मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और बहन भाई ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सेवा से प्रसन्न हो बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर रखने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा। ऐसा कह बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भक्त भाई बहन कृत्य कृत्य को उठे। इसके बाद मोहनदास जी एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। बाला सादे मोहन ने विश्वास मंगलम कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए। बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल्ल युद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते रहते हैं और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास जी की कीर्ति दूर पास के ग्रामों में फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। आसोटा गांव में एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछ कर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि सालासर बालाजी को चूरमे का भोग लगता है।
जामे बजरंग मुहूर्त पाय मंगलम आसो जामे बजरंग मुहूर्त पाय मंगलम गाजा बाजा साला सर में आय मंगलम गाजा बाजा साला सर में आय मंगलम ओम बजरंग मंगलम हनुमान 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 मंगलम साला सर रो पावन तीरथ चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत विदर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को साला से पहुंचाने की आज्ञा दी। प्रातः ठाकुर चंपावत अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी दजी बैलगाड़ियों में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दी। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने तक कोई नहीं चलाए। जहाँ बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। प्रातः ठाकुर सालम सिंह व उनके अनेक ग्रामवासियों द्वारा बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1754 शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी। मोवन तिर पे साला सर में धाम मंगलम मोहन तिर पे साला सर में धाम मंगलम बाला जी को अमित विश्राम मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित किया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण को कांधे पर धारण किए थे वह अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए हुए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। वर्तमान में मंदिर के द्वार व दीवारें
चांदी से निर्मित मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहनदास बैठे हैं, दाएं श्री राम व हनुमान तथा बाएं बहन कानी और पंडित सुखाराम जी बहनोई आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। No more।